उत्तर प्रदेश के एटा जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोरों की हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं मोरों को मारने के शक में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को दबोच लिया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अगला व्यक्ति मोरों को मारने की बात कबूल कर रहा है। मामला एटा जिले के नया गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उमई है, जहां दो दिन पूर्व खेतों में तीन मोर मृत अवस्था में मिले। वही गांव के लोगों का कहना है कि पास के गांव राजपुरा के लोगों ने शिकार के उद्देश्य से राष्ट्रीय पक्षियों की हत्या की है। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। जब तक मौके पर पुलिस पहुंची, तब तक गांव के लोगों ने मोरों की हत्या करने के शक में एक युवक को दबोच लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक की पुलिस की मौजूदगी में पिटाई हो रही है, जिसमें युवक साफ साफ कह रहा है कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। वहीं गांव के लोगों का आरोप है कि गांव के प्रधान पति कमले राठौर ने आकर पकड़े गए युवक को छुड़ा लिया और पुलिस से साठ गांठ कर मामले को रफा दफा कर दिया। ऐसो तो हम बैठे थे तिराई पर, कुछ लड़का आए गांव के भाग के, तो उनने आके बताई बोले चाचा मोर मार डाली बैली ने। ठीक है, तो बैली भी बिनने बताई तो हमने कहाँ है, बोले भागी है और कोई मोर पड़े। फिर हम गए लोग बाग देखने के लिए, तो दो लोग मोटरसाइकिल से हम गए भट्टा तक, फिर लड़का ना मिले, फिर हम दोबारा लौटे गए। बाकी बात पता लगी एक लड़का गाँव के बाहर पकड़ लोग। ठीक है, पुलिस आ चुकी, फिर पुलिस के सामने वाले लड़का को लाई, फिर बात पूछ पताई करी कबूल कर। ठीक है, वह लड़का ने कबूल करी अपनी कि हाँ हम दो लोगों ने मोर मारी थी। तो ऐसे करके पुलिस ने बाकी बात मोर अपने बाप में लेने के बाद फिर गांव के प्रधान आइए, फिर उनने ज़्यादा विरोध करो हम लोगों पर कहीं अगर हमारे आदमी ने मुकदमा लगे हैं तो हम जबरदस्ती भारत का लगवाए तुम पर। फिर पुलिस से होल चलिए हमने जाके मोर ना जाए, हमने आप जाओ थाने। तो ये बातें चलती नहीं, बाकी बात सब लोग हम लोगों ने मतलब पूरी रिकॉर्डिंग कर रखी थी और सब बातें जो फोन में है रिकॉर्ड मतलब डीएम तक भेजी थी, लेकिन बाकी बात ही पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये बात थी और लड़का को छोड़ दोगे वो मोनू पोस्टमार्टम कराए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।